वक्त की एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है अंबेडकर नगर जिले के थाना महरुआ से, जहां पर दिल दहलाने वाली घटना हुई है। तीन युवक एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं। बताते चलें कि एक 14 वर्षीय बच्ची समझ के लिए बाहर जाते और तीन युवकों ने जबरन तरीके से बच्ची के साथ किया गैंगरेप। 6 बजे निकली है, कहाँ जाए, बाहर से गई। कब गई थी? 6 बजे शाम को हाँ शाम को गई थी जी। क्या हुआ तब? तब जन के तीन जने आए लेके चला गए, सुबह आए 5 बजे। अच्छा, तीन लोग आकर लेकर चले गए क्या? हाँ। क्या किए? पता नहीं क्या किए थे, हम लोग को मालूम नहीं था जी। क्या किए? हमको नहीं पता था क्या किए। जो एप्लीकेशन में लिखा गया वो सही है ना? हाँ जी वो सही है। हाँ। क्या चाह रहे हैं आप लोग, इस पर कार्रवाई हो जी? अभी तक पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ? हाँ। पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? बताइए। नहीं पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप लोग? सब लोग बताइए, सब लोग पकड़े गए हैं जितने लोग थे? नहीं, तीन लोग एक नहीं, लोग पकड़े थे। एक लोग पकड़े गए, वो दोनों लोग कहाँ हैं? पता नहीं सर। पता नहीं है? आपके माता जो वो थी वो कहाँ गई है? थाना पे। कहाँ गए हैं? थाना पे। देख लीजिए, ये जहाँ जो मैटर यहाँ पर हुआ था, इनके माताजी और इनकी सिस्टर थी वो, जिनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं यहाँ के कुछ युवक, और वो लोग थाने पर गए हैं और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस जो है अभी सही से कार्रवाई करने में पीछे हट रही है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि पुलिस से ढंग से कार्रवाई करे? हाँ। और जो काम किए उनको सजा मिले, जो हाँ, गलत काम किए हैं है। सजा मिले। हाँ। यही चाह रहे हैं। एक महिला के माध्यम से कि उसकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष है, उसको उसी के गांव के एक मोनू नामक लड़के ने फोन से बाहर बुलाकर उसे खेत में लेकर गया था, और वहां पर वो तथा उसके दो अन्य दोस्त जिनका नाम दिनेश तथा गोपी है, उनके द्वारा अलग अलग समय पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा बाद में मोनू द्वारा उसको उसके घर के पास यह कहकर छोड़ दिया गया कि तुम इस बात को किसी से बताना मत और 2 से 4 दिन बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इस सूचना पर पुलिस की टीमों द्वारा तत्काल सक्रिय होकर इसमें मुकदमा संख्या 26/24 धारा 376D SC ST तथा पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त मोनू को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है तथा शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमों का गठन करते हुए गिरफ्तारी हेतु सक्रिय किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी भी पूर्ण की जाए।